इसराइल ने रफा क्रॉसिंग पर दो बार एयर स्ट्राइक की है और यह एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के एक मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इसराइल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। फिलिस्तीन न्यूज वेबसाइट ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है नमाजे जनाजा पढ़ने के बाद। इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। والولد وابوهم وامهم قالوا اثنين زن طيبين وثمان تنفار في هالبيت وخلف اللي فوقهم ستهم وعمامهم طالعين هدول كاينين اما هدول اللي طالوهم ميتين في اثنين احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इसराइल के विमानों ने की है, यहाँ के खान यूनुस अस्पताल में एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है जिसमें घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पतालों में भी इलाज कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बिजली नहीं है और जनरेटर फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इसराइल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इसराइल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लोगारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।